1554 विषे कालिंदी केति श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तुलसीदास जी महाराज की जय। ऐसे तुलसीदास जी महाराज की जयंती 27 जुलाई को मनाने का विधान शास्त्र सम्मत सन 2020 में हुआ है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी महाराज रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी के अवतार हैं। तुलसीदास जी महाराज ने उस समय समाज को जाति विभेद से ऊपर उठकर सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए मुगलों के विरुद्ध जिस तरह से जनसामान्य को राम का भरोसा लेकर खड़ा किया वो वास्तव में अद्वितीय है। बात सिर्फ सामाजिक संरचना की नहीं, बात तो दिव्यांगों की भी है, क्योंकि समाज से वे अलग नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बाण भक्ता बढ़ जो होगे। उनका ये कथन जहां एक ओर साकार और निराकार ब्रह्म का विवेचन करता है, वहीं साकार रूप में ब्रह्म को देखने के लिए जो दृष्टि देता है वह स्वयं वो स्पष्ट है। आज भी आप समाज में देखेंगे ऐसे बहुत सारे बंधु हैं। हमने एक वीडियो पहले डाला था, वो विशाखा नाम की बच्ची सुन नहीं पाती, बोलने की तो बात ही छोड़िए, प्रभु के पास देखिए कैसे बोलती है, कोई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर दहन, जासु कृपासु दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। ऐसे ही राघव, ऐसे ही राघवेंद्र सरकार, साकारिक रूप में देखिए तो दिव्यांगजन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, पैर नहीं है, पर्वतों पर चढ़ा चढ़ा जा रहा है, बोल नहीं सकता, मूक है लेकिन व्याख्यान देता चला जा रहा है, हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, फिर भी सारे कार्य करता चला जा रहा है सामान्य व्यक्ति की तरह से, दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं है, फिर भी चला जा रहा है। वो परिकल्पना गोस्वामी जी की उस सामाजिक संरचना को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वह समावेशी भारत का अद्भुत स्वरूप था। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं भारतीय संस्कृति को समावेशन की आवश्यकता नहीं है, यह विदेशी शब्द है समावेशन। हमारे यहां समावेशन पहले से ही है, हम तो किसी को विलेख करते ही नहीं है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज सामाजिक चिंतक, समाज सुधारक, स्वयं में विलक्षण प्रतिभा के धनी, जिन्होंने विनय पत्रिका रामचरितमानस तो घर घर में व्याप्त है, आदर्श प्रभु श्री राम जिनका जीवन चरित्र ही स्वयं में इस तरह का है कि कहीं जाति भेद छूता ही नहीं है, जहां सबरी के बेर भी खाने के लिए पहुंच जाते हैं, वहीं कबंध को भी देखिए राक्षस होते हुए भी किस तरह से मुक्ति देते हैं। वाल्मीकि रामायण में कबंध के बारे में
उल्लेख आता है, ऐसा वर्णित है कि उसका सिर पेट में, मस्तिष्क सीने में और दोनों के बीच में उसकी दृष्टि थी, आंख थी। भगवान राम जब जाते हैं सीता की खोज करने के लिए, जटायु के बाद कबंध मिलते हैं। कबंध किस तरह से सहयोग करते हैं भगवान राम का, कबंध को देखकर डर जाते हैं। वो अपने दोनों मुट्ठी में जंगली जीव को लिए हुए, पकड़े हुए आहार के लिए तत्पर, परंतु जब राम को देखता है उनकी वो दौड़ पड़ता है, उन दोनों को छोड़ देता है जो हाथ में पकड़े हुए थे, राम और लक्ष्मण दोनों को, दोनों हाथों में पकड़ लिया ऐसे। और तब राम और लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथों को काट दिया। तब वो समझ गया कि मेरे श्राप से मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि कबंध एक गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो राक्षस हुआ था। और तब उसने बताया कि प्रभु आप अगर सीता को चाहते हैं तो आपको सुग्रीव का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए जीवन में पग पग पर, पल पल पर किससे क्या शिक्षा मिल जाए, किससे कौन सा सुझाव मिल जाए जो पूरे जीवन चर्या ही बदल दे, जो पूरे जीवन की दिशा ही बदल दे, स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज जब कबंध के बारे में लिखते हैं तो उसकी वीरता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, भगवान राम के सामने भी बाण लेके लड़ने को तैयार हो जाता है वो, परंतु स्वाभिमान से कतई समझौता नहीं करता है। ऐसे दिव्यांगजन तब भी थे, आज भी हैं, स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करते। जिस देश में जन्म लेते हैं उसी देश के लिए प्राण भी न्यौछावर करते हैं। देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाने। ऐसे दिव्यांगजन वो चाहे कबंध राक्षस की योनि में हो या मानव योनि में हो, सर्वत्र स्वाभिमान से समझौता कहीं नहीं, राष्ट्रभक्ति से समझौता कहीं नहीं। यह अगर देखना हो तो वास्तव में तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस स्वयं में सब कुछ समेटे हुए है, नारी शक्ति स्वयं में सबके पीछे सफलता का मूल कारण है। तुलसी की माता तुलसी पिता तुम्हारा, राजापुर पैदा हुए चित्रकूट था धाम। रत्नावली उनकी पत्नी, भगवान के पत्नी का वियोग किसी को असह्य हो जाए, चले गए सावन में ही, सांप को रस्सी समझ लिया, और विदुषी पत्नी ने कहा, हाड़ मास की देह मन तासु ऐसी पीति, तिस आधी जो नाम सो अवश्य मिटते भवभीत। तरंत तरंत हो जाता प्रभु, इस हमसे प्रेम के लिए पृथ्वी से चले आए। कहते हैं यह बात तुलसीदास जी को लग गई, और फिर लग गए समाज सेवा में, धन्य है ऐसे तुलसीदास जी महाराज। लेकिन जहां बचपना बड़े कष्ट में बिताया था, गोस्वामी जी ने मां सीता से निवेदन करते हुए कहा, अंबे कभी अवसर मिले तो हमारी चर्चा हमारे प्रभु से अवश्य करना। कब हुकुम अंब अवसर पाए, कब हुकुम अवसर पाए, मेरियो सुध ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, कब हुकुम अवसर पाए, दीन सब मंगहीन छीन मलीन अधि अधाई,
दास काई कब हुक अंब कब सर पाई कब हुक अंब कब सर पाई। सोच सकते हैं कितनी पीड़ा रही होगी उनको उस समय, कितना कठिन समय रहा होगा, तब उन्होंने अंगहीन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस संबत सोला सावसी असी गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तजो शरीर। लेकिन वो तुलसीदास जी महाराज आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, दिव्यांगों के लिए किस तरह से रामचरितमानस में एक अद्भुत संकलन साकार निराकार ब्रह्म की बात करते हुए किस तरह से भारतीय संस्कृति को उजागर किया। धन्य हो प्रभु। इसीलिए आज भी सभी मुरीद हैं, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राघवेंद्र सरकार की जय।